दूसरे टेस्ट के पहले दिन भारत ने कमाल कर दिया। शमी ने पहले ही दिन लिख डाली कंगारुओं की हार की स्क्रिप्ट। शमी का तूफान झेल नहीं पाई ऑस्ट्रेलिया की टीम, हो गई चारों खाने चित। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चार टेस्ट मैचों की सीरीज के दूसरे मुकाबले के पहले दिन का खेल खेला गया। दिल्ली के अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम में शुरू हुए इस मुकाबले में कंगारू टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया। नागपुर टेस्ट में फ्लॉप हुई ऑस्ट्रेलिया टीम ने इस मैच में शानदार शुरुआत की, लेकिन टीम अपनी पहली पारी को ज्यादा लंबी नहीं खींच सकी। लेकिन कंगारुओं ने 263 रन का लड़ने लायक स्कोर बना लिया। जवाब में मेजबान टीम ने पहले दिन का खेल खत्म होने तक 21 रन का स्कोर हासिल किया। फिलहाल भारत अब पहले दिन का खेल खत्म होने तक 21 रन पे खेल रही है। पहले बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया को अच्छी शुरुआत मिली। डेविड वार्नर और उस्मान ख्वाजा ने अर्धशतकीय बल्लेबाजी कर टीम को सदी हुई शुरुआत दिलाई। इस दौरान भारतीय टीम विकेट निकालने के लिए तरसती हुई नजर आई, लेकिन 16वें ओवर में 15 रन के स्कोर पर वार्नर का आउट कर शमी ने इस जोड़ी को तोड़ दिया। इसके बाद 23वें ओवर में दो सफलताएं हासिल कर रविचंद्रन अश्विन ने ऑस्ट्रेलिया टीम को बैकफुट पर डालने का काम किया। उन्होंने मार्नस लाबुशेन को 18 रन पर और स्टीव स्मिथ को 0 रन पर अपना शिकार बनाया। जहां एक छोर पर टीम ने 3 विकेट गंवा दिए, वहीं उस्मान ख्वाजा ने मोर्चा संभालते हुए अर्धशतक जमा दिया। लिहाजा पहले सत्र तक टीम का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 94 रन रहा। दूसरे सत्र के शुरू होने पर क्रीज पर बल्लेबाजी के लिए ट्रेविस हेड और उस्मान ख्वाजा की जोड़ी आई। इन दोनों ने 17 रन की साझेदारी कर टीम के स्कोर को 100 के पार पहुंचाने में मदद कर दी। लेकिन ट्रेविस हेड को स्लिप में केएल राहुल के हाथों आउट करवा शमी ने इस पार्टनरशिप को भी तोड़ दिया। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर पीटर हैंड्सकॉम आए। उन्होंने उस्मान का साथ दिया और 59 रन की बड़े साझेदारी कर टीम के स्कोर बोर्ड को 150 के पार टांग दिया। इन दोनों की जोड़ी ने भारतीय गेंदबाजों की जमकर धुलाई कर दी। पर टी ब्रेक से कुछ समय पहले रविंद्र जडेजा ने उस्मान ख्वाजा को 81 रन की आतिशी पारी को खत्म कर दिया और टीम इंडिया की मुश्किलों को कम किया। इसके बाद अश्विन ने कैरी को उछलता कर दिया। हालांकि ख्वाजा और पीटर की जोड़ी के बदौलत मेहमान टीम चाय काल तक 6 विकेट के नुकसान पर 199 रन बना चुकी थी। दूसरे सेशन में भारत को 3 सफलताएं मिली थी। टी खत्म होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए हैंड्सकॉम और पैट कमिंस आए। दोनों के बीच 7वें विकेट के लिए 59 रनों की साझेदारी हुई, लेकिन कमिंस को LBW आउट कर जडेजा ने इस पार्टनरशिप का भी अंत कर दिया। उनके आउट होने के कुछ मिनट बाद ही टॉड मर्फी भी बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए। इस बल्लेबाजी के लिए क्रीज पर नैथन लियोन आए। उन्होंने 10 रन बनाए और पीटर के साथ बड़े साझेदारी कर टीम के स्कोर को 300 के पार पहुंचाने के लिए जी जान लगा दिया, लेकिन ऐसा करने में नाकामयाब रहे। हालांकि पीटर की नाबाद अर्धशतकीय पारी ने ऑस्ट्रेलिया के 263 रन का स्कोर बनाने में अहम भूमिका निभाई। दूसरी और तीसरे सत्र में भारत को विकेट दिलाने वाले जडेजा और शमी रहे। इस सेशन में जडेजा ने पैट और मर्फी का विकेट लिया, जबकि शमी ने लियोन और कोमेहनमेन का शिकार किया। पहले दिन के खेल में मोहम्मद शमी ने 60 रन देकर 4 विकेट चटके। उसके बाद रविचंद्रन अश्विन ने भी 57 रन देकर 3 विकेट लिए। रविंद्र जडेजा ने 68 रन देकर 3 विकेट लिए। हालांकि अक्षर पटेल और मोहम्मद सिराज को आज कोई विकेट नहीं मिल पाया। फिर जब भारत की टीम बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरी तो रोहित शर्मा और केएल राहुल ने पारी की शुरुआत की। रोहित शर्मा ने 34 गेंदों पर 13 रन बनाए, वहीं केएल राहुल ने 20 गेंदें खेलकर 4 रन बनाए और भारत के स्कोर को 21 रन पर रोका। तो आप इस वीडियो पर अपनी राय दीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस स्पोर्ट्स के साथ।